गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फाइनली जिस काम के लिए आया था वो काम 10 मिनट में हो गया। अभी मैं यहाँ से जो स्पेशली मैं जिस चीज़ के लिए आया था उस चीज़ के लिए जाऊँगा। यहाँ से मुझे एक्चुअली जाना है CST की तरफ। CST में मुझे अभी मेरा प्लान ये है कि मैं CST जाऊँगा। वो है CST कवर करूँगा, देन मरीन कवर करूँगा और हो सकता है जुहू चौपाटी या फिर बैंड्रा। इन चारों में से जो नज़दीक दिखेगा वो मैं कवर करूँगा और विकेट होगा। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से काम हो गया मेरा। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी मैं बस निकल रहा हूँ। हे गाइस वेलकम बैक। नाउ आई हैव लेफ्ट फ्रॉम द अंधेरी। नाउ आई एम यू नो ऑन द ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज, यहीं से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है शायद, वहाँ पे लेफ्ट साइड में, शायद लेफ्ट साइड में मेरे एयरपोर्ट है यहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे एक स्टैचू है, तो नरीमन पॉइंट मंत्रालय वर्ली। अभी ये कम्प्लीटली, मैं एक दो बार पहले आ चुका हूँ ये रोड पे, तो मेरे लिए कम्प्लीटली अननोन होगा। खुद से ड्राइव करके मैं अभी जो जा रहा हूँ, तो ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बेसिकली। सामने देख के तो बहुत डर लग रहा है, ख़तरनाक वाला ट्रैफिक दिख रहा है, बट स्टिल मैं सीधा जाने वाला हूँ। यहाँ से दादर निकलेगा, तो यहाँ से मुझे शायद वो इजी गिरेगा, क्योंकि नीचे से विले पार्ले एंड ऑल था। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं मैप पे डाला हूँ और बस मैं निकल पड़ा हूँ। जैसे ही मैप घुमाएगा वैसे मैं घूमने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है और आज ही के दिन मैं जितना हो सके मैं इतना यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और उसके बाद कल मॉर्निंग में तो मैं निकल ही जाऊँगा गांव के लिए। सो यही एक सोचा मैंने ना कि अभी यही टाइम है, मेरे पास 6-7-8 बजे तक भी मैं घर पे पहुँच जाऊँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके पहले मुझे हो सके उतना एटलीस्ट CST हो, मरीन हो, बांद्रा हो सके तो मन्नत, जन्नत, गैलेक्सी, यूनिवर्स वो ट्राई करूँगा देखने का। लेकिन अगर नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में मैप में मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा नज़दीक है, एक साथ वहाँ जाऊँगा तो कौन सा एक साथ देखने मिलेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ से लिखा है गेट ऑफ इंडिया सीधा है, चलो अगर वो भी मिल जाए तो गेट ऑफ इंडिया का ना वहाँ से भी देख के देखने मिल जाएगा तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मैं अकेला, मुझे याद है मैं कभी अकेला वहाँ गया नहीं हूँ। मैं जब स्कूल या कॉलेज में था तभी वो साइड में तब भी गया हूँ, उसके बाद मुझे मौका क्या, मैं कभी गया ही नहीं समझो। सो यहाँ से मंत्रालय 25 किलोमीटर लेफ्ट राइट। सो मुझे राइट में जाना है, क्योंकि लेफ्ट में वाशी और थाने दिख रहा था शायद। सो मुझे यहाँ से सीधा जाना है, तो यहाँ से वर्ली और दादर मिलेगा। तो यहाँ पे अपडेट देना था कि मैं जा रहा हूँ, तो अभी ये पूरा शूट करते नहीं बैठूँगा मैं, अभी जहाँ पे अच्छा दिखेगा वहीं से मैं एक शूट कर लूँगा और उसके बाद तब तक मैं बंद कर देता हूँ। कुछ खास देखने लायक नहीं, वही ट्रैफिक है। मेरे लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो मैं थोड़ा सा और नज़दीक जाता हूँ, दैट इज़ द सीलिंग यहाँ पे दिख रही है। मैं अभी एक काम करता हूँ, बाइक अलाउड है कि नहीं मुझे श्योर नहीं है। चलो आगे दिख रहा है, दैट मीन्स मैं जा सकता। अभी मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ वर्ली सीलिंग का सीन कैसा दिखता है। वो देखो, वो जो ब्रिज दिख रहा है ना, वर्ली सीलिंग है ये वाला, सबसे लंबा ब्रिज है वो वर्ली सीलिंग, पूरा समंदर के ऊपर से जाता है वो है। अभी यहाँ से ये जो है शायद वो नेकलेस वाला जो बोलते हैं, ये वही ब्रिज है, क्वींस नेकलेस शायद, जिसका उसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया वो शायद यहाँ से चढ़ता है और यहाँ से उतर जाता है, तो ये वही ब्रिज है। मेरे लेफ्ट साइड में देख लो, दिस इज़ द वर्ली सीलिंग, सॉरी हाँ वसई वर्ली सीलिंग है शायद ये। आई लव मुंबई, ऑफकोर्स आई लव मुंबई। ये देख लो व्यू, देख लो भाई साहब, ये बहुत सारे झाड़ी आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से शायद दिखेगा नहीं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, यहाँ पे साइड में बाइक लगाने के लिए अलाउ नहीं रहेगा, तो मैं एक काम करता आगे जाके थोड़ा सा देखता हूँ कोई प्लेस मिलता है क्या रुकने के लिए। अदरवाइज़ मेरे लेफ्ट साइड में बहुत नज़दीक है, यहीं पे समंदर है।
यहाँ से सीधा शायद लेफ्ट या राइट में लीलावती हॉस्पिटल आता है। ओ भाई साहब, ये देखो सी दैट समंदर शायद यहाँ से जाने के लिए अलाउ होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रुक का के आप लोगों को सीन दिखा देता हूँ। ये अंदर जा सकते हैं क्या? अंदर जा सकते हैं? नहीं ना, फाइन है ना, बाइक को अलाउड है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे से जाऊँ ना, राइट साइड? नहीं, मैं यही देखने आया था, मरीन ड्राइव और थोड़ा CST घूमना है ना। ये जो गाड़ी जा रहे उधर ना, ऑल राइट। सो थोड़ी सी गड़बड़, वहाँ पे बाइक को अलाउड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे चला जाता हूँ यहाँ से। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, वो सच में बोला कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ। ये देखो एक नंबर व्यू मिल रहा है यहाँ पे यार, ये स्टैचू, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई तो ऋषि मुनि याद नहीं आ रहा है, उनका ये स्टैचू है और ये कुछ इस तरह से व्यू है। ये देखो, वहाँ से अलाउ नहीं था एक्चुअली, तो मैं नीचे से आ गया और तो कुछ इस तरह से मैं आ गया। अभी वहाँ से अलाउ होना चाहिए था एक्चुअली, बट क्या करें, नज़दीक जाने के लिए वहाँ से अलाउ नहीं किया। मैं एक काम करता, दूसरा वे देखता हूँ है कि नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो मैं थोड़ा सा और नज़दीक जाता हूँ, दैट इज़ द सी लिंक, यहाँ पे दिख रही है। मैं अभी एक काम करता हूँ, बाइक अलाउड है कि नहीं मुझे श्योर नहीं है। चलो आगे दिख रहा है, दैट मीन्स मैं जा सकता। अभी मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ वर्ली सी लिंक का सीन कैसा दिखता है। वो देखो, वो जो ब्रिज दिख रहा है ना, वर्ली सी लिंक है, ये वाला सबसे लंबा ब्रिज है, वो वर्ली सी लिंक पूरा समंदर के ऊपर से जाता है, वो है। अभी यहाँ से ये जो है शायद वो नेकलेस वाला जो बोलते हैं, ये वही ब्रिज है, क्वींस नेकलेस शायद, जिसका उसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, वो शायद यहाँ से चढ़ता है और यहाँ से उतर जाता है, तो ये वही ब्रिज है। मेरे लेफ्ट साइड में देख लो, दिस इज़ द वर्ली सीलिंग, सॉरी हाँ वसई वर्ली सीलिंग है शायद ये। आई लव मुंबई, ऑफकोर्स आई लव मुंबई। ये देख लो व्यू, देख लो भाई साहब, ये बहुत सारे झाड़ी आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से शायद दिखेगा नहीं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, यहाँ पर साइड में बाइक लगाने के लिए अलाउ नहीं रहेगा, तो मैं एक काम करता आगे जाके थोड़ा सा देखता हूँ कोई प्लेस मिलता है क्या रुकने के लिए। अदरवाइज मेरे लेफ्ट साइड में बहुत नज़दीक है, यहीं पे समंदर है, यहाँ से सीधा शायद लेफ्ट या राइट में लीलावती हॉस्पिटल आता है। ओ भाई साहब, ये देखो सी दैट समंदर शायद यहाँ से जाने के लिए अलाउ होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रुक का के आप लोगों को सी, ऑल राइट। सो थोड़ी सी गड़बड़, वहाँ पे बाइक को अलाउ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे चला जाता हूँ। एक नंबर व्यू मिल रहा है यहाँ पे यार, ये स्टैचू, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई तो ऋषि मुनि याद नहीं आ रहा है, उनका ये स्टैचू है और ये कुछ इस तरह से व्यू है। ये देखो, वहाँ से अलाउ नहीं था एक्चुअली, तो मैं नीचे से आ गया और तो कुछ इस तरह से मैं आ गया। अभी वहाँ से अलाउ होना चाहिए था।
अभी मैं पहुंच चुका हूं भाईखला में, और काला चौकी लेफ्ट साइड और लालबाग भी लेफ्ट साइड है, करी रोड आगे जाके सीधा करी रोड आएगा। सो यहाँ से थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इवनिंग का टाइम है तो वो ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है, बट एटलीस्ट कंपेयर टू जो नॉर्मल टाइम होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाड़ी एटलीस्ट मूव हो रहा है, एक ही जगह पे स्टक नहीं है, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे कितना ट्रैफिक मुझे मिलता है आगे तक जाके। फ़िलहाल तो लालबाग के लिए जो रास्ता जाता है वो लेफ्ट साइड में मेरे, और मैं अभी जो हूँ वो हूँ भाईखला में। ये मेरे लेफ्ट साइड में जीजाबाई भोसले उद्यान, शायद रानी का बाग भी यही है, शायद यही है, मैं लास्ट टाइम आया था। मेरे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो माजगांव और रानी का बाग, यही है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गया यार, सी दैट, ये रानी का बाग ही है, पहले भी आया था मैं दो बार। यस, रानी का बाग ही है, रानी ची बाग। ये वाले ब्रिज पे जो है टू व्हीलर्स को अलाउ नहीं है, सो जिसकी बात मैं कर रहा था ये वही ब्रिज है, और जो बांद्रा साइड में जा रहा था तभी भी वहाँ पे है, और वो उस पर भी बाइक अलाउड नहीं थी। तो अभी मैं नीचे से जा रहा हूँ, अभी आएगा डोंगरी और कुलाबा, लेफ्ट साइड में मेरी डोंगरी आएगा और यहाँ से थोड़ा आगे जाके कुलाबा आएगा, और फिर उसके बाद CST। सो अभी मैं पहुँचा हूँ भाईखला के मार्केट में, ये पूरा कुलाबा भाईखला का मार्केट है जो ब्रिज के नीचे लगा है। जो ब्रिज मैंने नहीं लिया ना, तो यही वो ऊपर का ब्रिज है जिसको बाइक अलाव, जिस पे बाइक अलाव नहीं है, तो उसके नीचे ये पूरा मार्केट है भाईखला का, और यहाँ हमेशा से इतना ही मार्केट में क्राउड अवेलेबल रहता है, मैंने नोटिस किया है। तो यहीं से सीधा मुझे जाना है, फाइनली आई हैव रीच्ड CST। बहुत मशक्कत थी, ओह ये कुछ नया वर्ड मैंने यूज़ किया क्या, मशक्कत, बट जो भी हो यार बहुत ट्रैफिक खतरनाक वाला लगा था, तो वो पूरा ट्रैफिक ख़त्म करके मैंने पूरा ट्रैफिक को हैंडल करते हुए मैं पहुंच चुका हूँ CST, और ये है फेमस CST का स्टेशन, कुछ इस तरह दिखता है। अभी तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ से ज़रा राइट साइड में जाऊँगा और लेफ्ट से जब वापस आऊँगा तो इसका अलग से अच्छे से व्यू देखने मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से राइट में चले जाऊँ और फिर मैं आ जाऊँगा। तो दिस इज़ CST स्टेशन, बेसिकली यहाँ से दिखता है तो कुछ इस तरह दिखता है। अभी मुझे नहीं पता किस तरह से इसका व्यू आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितना भी हो वो अच्छे से दिखे। अभी मैं क्या करता हूँ, ये राइट साइड में जाता हूँ और वहाँ से रिटर्न आते टाइम ये सामने से व्यू बहुत अच्छा दिखेगा, तो मैं उतना देख के शायद मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि अभी भी मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, और धूप और एनर्जी दोनों बैंड बजा दी है, धूप ने बैंड बजा दी एनर्जी की, यू कैन से। अभी मैं एक काम करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ और वहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये सामने जो दिख रहा है ये आपको BMC दिख रहा है, ब्रून मुंबई महानगर मुख्यालय। सो यहाँ पे हेड ऑफिस है BMC का, और मेरे राइट साइड में दिस इज़ CST का स्टेशन, मेन स्टेशन। यहाँ से कुछ इतना दूर है, और उसके बाजू में आप लोगों को बस स्टॉप दिखेगा CST का। सो जैसे ही तुम स्टेशन से बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे डबल डेकर वाली जो है, डबल डेकर ही बोलते हैं, वो बस मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सो कुछ इस तरह व्यू है। अभी मुझे वापस अगर जाना है तो मुझे वो साइड जाना है,
ये साइड जाऊंगा तो शायद मरीन आएगा, लेकिन अभी मुझे किसी दोस्त को मिलने जाना है तो मैं क्या करता हूँ, वापस यहीं से निकल जाता हूँ। जितना दिखाना था मैं दिखा चुका हूँ, अभी यहाँ से सीधा ये साइड में मैं निकल जाऊँगा। एक बार देख लो, हे गाइस, फाइनली आई एम रीचिंग होम, आई मीन ऑलमोस्ट यू नो रीचिंग होम। सो बिफोर दैट आई थॉट आई विल शो यू दिस नाइट व्यू ऑफ दिस मॉर्निंग द रोड विच आई हैव कम फ्रॉम। इतना ऑसम लगता है ना ये रात को, ओहो मुझे पता नहीं ये कैमरा में किस तरह से ये रिकॉर्ड होने वाला है, बट जो भी है ये जो व्यू लग रहा है ना ऑसम लगता है। रात को भी जॉगिंग करने के लिए खाना खा के फिर, या फिर अर्ली मॉर्निंग भी जॉगिंग करने के लिए आने के बाद जो ये मस्त लगता है ना, ओहो दिल खुश हो जाता है। मतलब एक फ्रेश एयर मिल जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना खाड़ी है, खाड़ी मतलब उतना गंदा ये नहीं है, झाड़ी है, बहुत सारा फ्रेश एयर आता है। और ख़ास करके ये वाले जो स्टेचूज लगाए ना, जो भी है वो लगाने के बाद वो जो व्यू आ रहा है ना वो सही लग रहा है। और ऊपर से ये वाइट कलर के LED और ये बनाया हुआ रास्ता, ये अलग ही व्यू है। यहाँ पे हमारे इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक्सेंचर है, और जैसे सुबह बताया था मैंने, राइट साइड में एक्सेंचर, लेफ्ट साइड में ये है जो नया कैपजेमिनी खुला है वो है। सो बस मुझे ये रात का लास्ट व्यू दिखाना था ये कैसे दिखता है, तो आप लोग बस एंजॉय करो इस व्यू को। ये साइड में लेफ्ट साइड में अभी भी रोड का थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने ये वन वे बना दिया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा खासा व्यू मिल जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा हेलमेट को टिल्ट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को व्यू अच्छा मिल जाए। बस अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, शायद इधर कुछ तो टक टुक कर रहा है, बस उसके अलावा काम तो कुछ पेंडिंग नहीं है। सी वही एक पोर्शन है, एक पैच है, उतना सा वहीं पे एक उतना काम चालू है। अदरवाइज़ ये है रात का व्यू इस मैदान का, प्लेग्राउंड है जो, और इस तरह से ये जो सामने जो बिल्डिंग है ना बड़ी वाली, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, ग्रीन वर्ल्ड, वो इसको और ज़्यादा मतलब सामने ही आते ही ऐसा व्यू आ जाता है ना, मैं इमेज आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि ये जो आँखों से जो दिख रहा है ना व्यू, हो सकता है पहले और भी कहीं ऐसा व्यू हो, बट मेरे घर के बाजू में ही है ये, बहुत सही लगता है यहाँ से देखने के लिए सीधे। और बस लो जी, दिन भर घूमने के बाद मैं फाइनली पहुंच रहा हूँ घर पे। हेक्टिक था दिन भर, इधर उधर घूमा, बैक बहुत पेन किया, लेकिन उतना ही दोस्तों को मिलने के बाद थकान सी मिट जाती है, वैसे ही हुआ। दोस्तों को मिलने के बाद वो थकान रहती नहीं है, वैसे वही हुआ, लेकिन आज का ये दिन यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं अभी, कल मेरा कल का मॉर्निंग का जाने का प्लान है, और वो वही मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। देखते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। आज इतना टायर्ड हो तो थोड़ा अगर नींद लग गई तो हो सकता है फिर मैं थोड़ा सा डिले कर दूँगा, बट फिलहाल तो प्लान वही रखने वाला। जो भी अपडेट तो देता ही रहूँगा आप लोगों को, अगले वीडियो में बता ही दूँगा।
गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड होम। इट्स 11:30 इन द नाइट। सब शाम सुम हो चुका है, कोई जाग नहीं रहा है और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। लेट भी हो चुका और उतना ही टायर्ड भी हो चुका हूँ। तो अभी काम करता हूँ, फटाफट जाता हूँ और फ्रेश होके मैं सीधा सो जाने वाला हूँ। कुछ खाने वाला नहीं, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ जब भी मिला तो मैंने कुछ खा लिया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो है मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है कुछ खाने का। सो नाउ आई डू वन थिंग, आई जस्ट गो टू स्लीप, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का प्लान अभी भी मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ कि 4 मैक्सिमम 5 बजे तक मैं निकल जाऊँगा। तो हो सकता है उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़े, तो बस वही कोशिश करूँगा। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।